हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ इन खूबसूरत पौधों के साथ में। ये खूबसूरत पौधे हैं सर्दियों के, जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाले प्लांट हैं। ये पौधा जो है ये डायंथस का प्लांट है। इसके जो फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर में ये जो प्लांट आपको देखने को मिलेगा। आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी केयर टिप्स आपसे शेयर करेंगे और आप इसे किस तरह अपने वो गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में आप इस प्लांट को लगाएं, आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और कौन सी इनको खाद दें कि ताकि इनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसे जो है किसी भी प्रकार के पॉट में लगा सकते हैं, 8 इंच के, 6 इंच के, किसी भी प्रकार में आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। दूसरा, आप इसके लिए एक वेल्डन मिट्टी बनाएं, जिसमें आप 30% मिट्टी, 30% गोबर की खाद, 30% सैंड और फंजीसाइड के साथ आप एक अच्छी सी वेल्डन मिट्टी बना के इस प्लांट को ग्रो करें और आप इसे किसी भी प्रकार के पॉट में लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट है दोस्तों, इसको आपको 5 से 6 घंटे की धूप देनी है। अगर आप इसे 5 से 6 घंटे की धूप देंगे तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। छाया में ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें 5 से 6 घंटे की धूप में रखना बेहद जरूरी है। और आप इसे समय समय पर अगर आप खाद वगैरह देते रहते हैं, 15 दिन 20 दिन के अंतराल में एक अच्छी सी खाद आप देते रहते हैं, तो ये फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और इनमें जो फूल होते हैं वो गुच्छों में फ्लावर आते हैं और इनके कलर भी जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और आप इन्हें बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से अगर आप पौधा लेना चाहते हैं तो आप नर्सरी से भी ले सकते हैं। इसकी कीमत आपको मिलेगी 20 से 25 रुपये और बहुत ही आसानी से ये पौधा आपको मिल भी सकता है। और दोस्तों, ये जो प्लांट है ये एक तरीके का हार्डी प्लांट है। इसके जो फूल होते हैं वो बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं, बंचों में आते हैं। आप देखिए, इसमें छोटी छोटी ये कलियां बननी शुरू हो गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये मैंने 6 इंच के पॉट में लगाए हुए हैं, आप देखिए। और कलियां आपको दिखाई दे रही होंगी, इसमें कलियां आने लगी हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर इसमें कली आने लगी है। तो अब हम इसकी देखभाल किस प्रकार करें कि ताकि इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी हो, हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी भी रहे। तो आज मैं आपसे जानकारी यही शेयर करूंगी दोस्तों कि देखिए, ये है DAP, ये देखिए DAP के दाने हैं। और ये जो DAP होती है ये आपको 2 प्रकार में दिखाई देती है, एक व्हाइट कलर में भी आती है और एक ही ब्राउन कलर में भी दिखाई देती है। ये आपको जो आपके के घर के पास में लोकल नर्सरी होगी वहाँ आपको ये आसानी से मिल जाएगी। और ये मैंने एक सरकारी नर्सरी से खरीदा है, एक पैकेट मुझे 30 रुपये का मिला है। तो आज इसकी पूरी जानकारी देंगे कि इस खाद को आपको किस प्रकार अपने प्लांट में यूज़ करना है, कितने दाने का ही उपयोग आप कीजिए अपने प्लांट में। तो देखिए दोस्तों, ये एक तरीके की रासायनिक खाद है, तो इसका बहुत अधिक उपयोग भी हम अपने प्लांट में नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत अधिक उपयोग इसका प्लांट में करते हैं तो हमारे प्लांट जो है मर भी सकते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितने दानों का उपयोग इसमें करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 6 इंच का पॉट है और इसमें हम कम से कम 4 से 5 दानों का ही उपयोग करेंगे। अगर हम ये पौधा हमारा 10 इंच का पौधा होता तो हम इसमें 8 से 9 दाने डाल सकते थे। तो लेकिन ये 6 इंच का पॉट है तो इसमें हम जो है 5 दानों का ही उपयोग करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और दूसरा, इसको आपको दूरी में देना है, यानी आपको इसको जो प्लांट की जड़ होती है उसके ऊपर हमें इसे नहीं देना है। तो इस तरह हम होल करेंगे। और इन फूलों के जो कलर होते हैं दोस्तों वो बेहद खूबसूरत होते हैं। इस तरह एक होल करना है, इस तरह होल करेंगे और ये 3, ये है 4 और ये है 5, ये देखिए इस तरह। और हम सिर्फ 5 दाने ही इसमें डालेंगे, ये देखिए। जैसे ही जब हम पानी डालते हैं दोस्तों, तो ये जो है जो खाद है ये अपने आप घुलने लग जाती है और हमारे पेड़ को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो जो है बहुत जल्द से ये हमारे प्लांट को देती है और इससे जो है फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, ये देखिए।
क्योंकि हम रासायनिक खाद का उपयोग जो है इसलिए करते हैं दोस्तों, और ये हमें करना पड़ता है सर्दियों के प्लांट के साथ में, क्योंकि जो सर्दियों के प्लांट होते हैं वो बहुत ही छोटे समय के लिए हमें हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करते हैं, तो इसलिए हमें जो है इस प्रकार की खाद का उपयोग करना पड़ता है। और अगर आपके पत्ते इस तरह जो है पीले वगैरह पड़ रहे हैं तो वो भी आप जरा निकाल दीजिए, नहीं तो जो आपका पौधा है वो धीरे धीरे जो है फंगस की वजह से जो है मरने लग जाएगा। तो इस तरह ये लीजिए, और इस तरह भी हम जो है इसमें 5 से 6 दानों का उपयोग हम करेंगे। तो दोस्तों ये खाद आप उपयोग कर सकते हैं, और लेकिन ज्यादा उपयोग आपको नहीं करना है। इस तरह 1 से 4 दाने ही आपको डालने हैं, 4 से 5 दाने बहुत हैं इस 6 इंच के पॉट के लिए, तो इस तरह हमें देना है। और आप देखिएगा जिस तरह हम इस उपयोग करते हैं इस खाद का, तो इसमें जो है फ्लावरिंग आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों इस तरह हमने ये है खाद को दे दिया है, तो आप इस तरह अपने सर्दियों के प्लांट में इस तरह की खाद को दे सकते हैं। ये मेरी आज की जानकारी थी डायंथस के प्लांट को लेके, कि आप देखिएगा इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने मिलेंगी। तो अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों इस खाद का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कितनी मात्रा में करना है ये आप जो है अपने प्लांट को और अपने पॉट के हिसाब से ही कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।